हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉलिड स्टेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पार्ट फोर करेंगे। पार्ट वन, टू और थ्री हम पहले कर चुके हैं। अगर आपको वो उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, वहाँ से कर सकते हैं आप। ओके, तो आज हम पार्ट फोर करेंगे जो कि उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन 33 तक हमने पार्ट थ्री में कर लिए थे, हम 34th क्वेश्चन आज ही यहाँ पर करेंगे। तो 34th क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन करने से पहले आप पार्ट वन, टू एंड थ्री कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। ओके, क्योंकि अगर वो क्वेश्चन कर लोगे तो फिर ये और भी इजी लगेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन मीन्स 34th क्वेश्चन जो है वो है, KCl क्रिस्टलाइज इन द सेम टाइप ऑफ अ लैटिस एज डज NaCl। ओके, गिवन दैट द रेशियो दे रखा है सोडियम प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव का 0.55 एंड रेडियस रेशियो दे रखा है पोटेशियम प्लस एंड क्लोरीन नेगेटिव का 0.74। क्वेश्चन में बोला है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दिस साइड ऑफ द यूनिट सेल, रेशियो निकालना है साइड ऑफ यूनिट सेल फॉर KCl टू NaCl। मींस हमें निकालना है क्या, देखो पहले कैलकुलेट क्या करना है पहले वो आपको पता होना चाहिए। हमें कैलकुलेट करना है रेशियो ऑफ KCl मींस K प्लस प्लस Cl नेगेटिव टू NaCl, बोला था Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये रेशियो कैलकुलेट करना है। ओके, इससे जो पहले के क्वेश्चन है 33rd तक, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएंगे पार्ट वन, टू और थ्री में। ओके, तो हमें ये कैलकुलेट करना है, रेशो दे रखा है कुछ गिवन वैल्यूज़। चलो करते हैं। तो पहले अगर मैं बात करूँ NaCl की, तो हमें गिवन है Na पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 0.55। Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 0.55। और हमें पोटेशियम के केस में गिवन है, मीन्स KCl के टर्म में, रेडियस ऑफ K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 0.74। अगर मैं ऐड बोथ साइड, एडिंग बोथ साइड बाय वन, दोनों तरफ वन ऐड कर दूँ दोनों क्वेश्चन में, इसमें भी एडिंग बोथ साइड बाय वन, दोनों तरफ वन ऐड कर दूँ तो देखो क्या होगा, ये होगा रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस वन अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू, ये दे रखा था मैं 0.55 प्लस वन। अगर KCl के टर्म में बोलूँ तो ये होगा रेडियस ऑफ K पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव प्लस वन इज इक्वल टू, और इसकी वैल्यू दे रखी थी 0.74। ओके, प्लस वन। अगर देखो यहाँ पे LCM लूँ तो ये आ जाएगा रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 1.55, और ये आएगा रेडियस ऑफ K पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 1.74। इसको बोल देते इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। क्वेश्चन में हमें बोल निकालना है क्या, कैलकुलेट क्या क्या करना है, ये मतलब अगर मैं KCl इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन फर्स्ट। ओके, इक्वेशन सेकंड को अगर मैं फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, देखो ये आ जाएगा K पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, और ये नीचे आ रहा है रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव इज इक्वल टू 1.74 अपॉन 1.55। अब यहाँ पे देखो ये दिख रहा है, ये इससे कट हो गया। ओके, तो फाइनल क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हम रेडियस ऑफ K पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव अपॉन रेडियस ऑफ Na पॉजिटिव प्लस रेडियस ऑफ Cl नेगेटिव, यही कैलकुलेट करना था
इसको डिवाइड करोगे तो ये 1.1 ये आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1.123। ओके कैलकुलेट कर लेना यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 1.123। ओके तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इजी क्वेश्चन था अगर देखा जाए काफ़ी, तो हमें रेशो निकालना था के सी एल अपॉन एन ए सी एल का। ओके वो भी किसका, साइड ऑफ यूनिट लेंथ, ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर अगला आता है 35th, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 34 आता है कई बार एग्जाम्स में। ओके क्वेश्चन नंबर 35th क्वेश्चन बोल रहा है एन अलॉय ऑफ कॉपर सिल्वर एंड गोल्ड इज फाउंड टू बी सॉरी इज फाउंड टू हैव कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग सी सी पी लैटिस इफ सिल्वर एटम्स ऑक्यूपाई द एज सेंटर एंड गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर द अलॉय हैज द फॉर्मूला। चार फॉर्मूले दे रखे हैं, देखो गिवन क्या क्या, पहले वो लिखते हैं। हमें बोला है कॉपर सिल्वर और गोल्ड, जो कॉपर है सी सी पी लैटिस बोल रहा है, देखो ये रहा कॉपर कॉन्स्टिट्यूटिंग सी सी पी लैटिस। ओके कॉपर क्या है, सी सी पी, सी सी पी क्या, एफ सी सी, जिसमें एटम कितने होते हैं, 4। ओके क्लियर। उसके बाद बोल रहा है सिल्वर एटम ऑक्यूपाई, ये रहा सिल्वर एटम ऑक्यूपाई द एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर बोल रहे हैं, बताओ ये क्या होगा, ये होगा देखो सिल्वर ए जी एज सेंटर। क्यूब के कितने एज होते हैं, देखो 12 एज होते हैं और हर एज 4 क्यूब में शेयर होता है, ये बहुत बार कर रखा है, तो ये आ गया 3। अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, आगे बोल रहे हैं गोल्ड इज प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर, गोल्ड मीन्स ए यू, किस में प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर, और बॉडी सेंटर में कितने एटम होते हैं, ओनली 1। बॉडी सेंटर में 1। देन रेशियो अगर मैं कैलकुलेट करूँ यहाँ पे, कॉपर रेशियो सिल्वर रेशियो गोल्ड, कॉपर कितना है 4, सिल्वर कितना है 3 एंड गोल्ड कितना है 1। देन फॉर्मूला इज सी यू 4 ए जी 3, ये यू है। ओके सी यू 4 ए जी 3 एंड ए यू, तो ये ऑप्शन कौन सा चेक कर सकते हो, सी यू 4 ए जी 3 ए यू, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है यहाँ पर देखो सी ऑप्शन, सी यू 4 ए जी 3 ए यू, तो सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ओके तो सी जो ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है। ओके ये था 35th क्वेश्चन, अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्वेश्चन में बोला है अ अरेंजमेंट ऑफ एक्स नेगेटिव आयंस अराउंड ए पॉजिटिव आयन इन सॉलिड ए एक्स इज गिवन इन द फिगर, एक फिगर दे रखा है। ओके इफ द रेडियस ऑफ एक्स नेगेटिव इज 250 पिकोमीटर द रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव, तो हमें देखो एक्स नेगेटिव की रेडियस दे रखी है और बोला है कि ए पॉजिटिव की रेडियस कितनी होगी, ये फिगर दे रखा है हमें, फिगर से साफ दिख रहा है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं क्योंकि 6 एटम से सराउंडेड है। हमने पढ़ा था ना कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होता था, वॉइड्स विच आर सराउंडेड बाय 6 एटम्स, तो यहाँ पे 6 एटम्स से सराउंडेड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो हम सॉल्व करते हैं। तो हमें गिवन क्या क्या, पहले हमें दे रखा रेडियस ऑफ एक्स नेगेटिव 250 पिकोमीटर, एक्स नेगेटिव 250 पिकोमीटर है, हमें रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव कैलकुलेट करना है, रेडियस ऑफ ए पॉजिटिव कैलकुलेट करना है। हमें पता है ऑक्टाहेड्रल जो होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, क्योंकि 6 एटम से सराउंडेड होते हैं, तो यहाँ पे जो रेंज होती है रेडियस ऑफ कैटायन ए पॉजिटिव अपॉन रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस रेशियो रूल में भी पढ़ा होगा, वो होता है 0.414 से लेकर 0.732, या आप डायरेक्ट वो रिलेशन भी याद कर सकते हो जो ऑक्टाहेड्रल वाली वीडियो में कराया था, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। ओके कितना होता है वो 0.414, तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन क्या है, एक्स नेगेटिव, रिलेशन आता है 0.414। ओके इन दोनों के बीच में लाई करते हैं। ओके और हमने रिलेशन निकाल रखा है, और रेडियस रेशियो रूल जो होता है रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन एनायन इज इक्वल टू होता है 0.414। अगर मैं 0.414 यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, रेडियस ऑफ कैटायन
हमें कैलकुलेट करना है एन आई एन वैल्यू कितनी है। एन आई एन है 250 इज इक्वल टू 0.414। देन रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 0.0.414 अपॉन 250 पिकोमीटर में। ओके देन इसको कैलकुलेट करोगे आप, सॉरी क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई होगा। ओके मल्टीप्लाई 250 वो थोड़ा सा गलत हो गया था। ओके 250 इंटू हो जाएगा, इसको तब सोल्व करोगे रेडियस ऑफ कैटायन बराबर जाएगा 104 पिकोमीटर अप्रोक्स। ओके तो ए आंसर हमारे पास करेक्ट है, आंसर नंबर जो ए हमारे पास करेक्ट है। ओके अब देखो यहाँ पे जो ये 0.414 है, इसके लिए आप ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का जो रिलेशन है उसमें जाके देख सकते हो, जो रेशियो होता है वो दोनों का 0.414 होता है। ओके बट वो लाई करता है इन दोनों के बीच में, तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ रहा है 104 पिकोमीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 बोला है द आयनिक रेडियाई ऑफ आर बी प्लस रूबीडियम प्लस एंड आयोडीन नेगेटिव आर 1.46 एंड 2.16 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। द मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिबिट बाय इट इज CaCl, NaCl, ZnS एंड CaF2। हमें गिवन क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है रेडियस ऑफ आर बी पॉजिटिव कितना है वो 1.46 और रेडियस ऑफ आई नेगेटिव 2.16 एंगस्ट्रॉम। बोला है द मोस्ट प्रोबेबल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिबिट, ये इनमें से किसके लाइक कर रहा है, मतलब किसके जैसा बिहेवियर शो करते हैं। तो उसके लिए देखो हम क्या करेंगे, हमें पता है जो रेडियस रेशियो होता है दोनों का रेडियस, इसका रेडियस रेशियो निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। कैटायन कितना है 1.46 और एनायन 2.16। तो ये कैलकुलेट करेंगे, ये कितना आ रहा है 0. देखो ऊपर आ रहा है 146, पूरा लिख देते हैं 146 अपॉन 216। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो 0.6 समथिंग आएगा, कैलकुलेट करके दिखे रहा है 26 पे जाएगा। ओके 0.6 आगे कैलकुलेट कर लेना। अब ये किस में लाई करता है, देखो हमें पता है जो रेडियस रेशो होता है रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस ऑफ एनायन, ओके प्लस लिख लो या कैटायन प्लस लिख लो, रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन पॉजिटिव एनायन नेगेटिव 0.414 से लेकर 0.732 याद है, ये इनका कोऑर्डिनेशन कितना होता है, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। और किस टाइप का वॉइड होता है, ऑक्टाहेड्रल, ये आपको पता होगा, आपने रेडियस रेशियो में पढ़ा भी होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब ये जो वैल्यू सॉल्व करके आई है, देखो ये 0.6 सॉल्व करोगे आप, ये इसी रीजन में लाई कर रहे हैं इनके बीच में, तो इनके बीच में लाई कर रहा है तो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। और इन सब में से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 किसका होता है, ये हमें पता है, हमने पढ़ भी रखा है NaCl का, NaCl का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स शो करता है। ओके तो NaCl हमारा करेक्ट आंसर है। तो जो ये रूबीडियम प्लस और आई नेगेटिव था किसकी तरह बिहेव कर रहा है इनमें से, NaCl। देन बी ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी NaCl। ओके करेक्ट है, देखो इसको दोबारा देख लो, ये आपको रिलेशन पता है कि रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन का जो रेशियो है 0.414 से लेकर 0.732, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड शो करता है। और इनमें से कौन सा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स शो करता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो, NaCl, कॉमन सी बात है, जिसको नहीं भी पता वो NaCl वाली वीडियो जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो देख सकते हो, 6:6 टाइप हमने पढ़ा भी था। ओके ये 8:8 होता है। ओके तो यहाँ से भी निकाल सकते हो 6 इसका शो कर रहा है, तो आंसर आ गया है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 ने बोला इन अ CCP स्ट्रक्चर, CCP मीन्स वही FCC। ओके फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर रिपीटेड,
फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, सेकेंड एंड फोर्थ लेयर्स आर रिपीटेड, फर्स्ट थर्ड एंड सिक्स्थ लेयर आर रिपीटेड। आपको पता होगा FCC में ABC जो CCP होता है, ABC अरेंजमेंट शो करता है, लेयर अरेंजमेंट। मतलब फर्स्ट के बाद कौन सी लेयर सेम होएगी जो फोर्थ होएगी, देख रहे हैं देखो, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, देन फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा, देखो फर्स्ट एंड फोर्थ लेयर आर रिपीटेड, ये तो जनरली डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, ओके काफ़ी इजी। तो बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर बी, ओके। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, डायरेक्टली पूछा है, NCERT की बुक में भी दे रखा है, स्टेटमेंट पढ़ लोगे जनरली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, 39 क्वेश्चन है, फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस आर रिस्पेक्टिवली, ओके। देखो सेम क्वेश्चन करा था, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फर्स्ट थी आई थिंक उसी में करा था, वो सिंपल क्यूबिक के लिए पूछा था फर्स्ट नियरेस्ट डिस्टेंस, इसमें बॉडी सेंटर के लिए पूछे हैं, ओके। वो क्वेश्चन कर लोगे तो इसको अटैम्प्ट कर लोगे ईजिली। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं, बोला क्या है पहले, फर्स्ट थ्री नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस फॉर बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस आर रिस्पेक्टिवली, चार ऑप्शन दे रखे, फर्स्ट थ्री नियरेस्ट डिस्टेंस बोले। चलो देखते हैं बॉडी सेंटर, तो ये मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर क्या होता है, एटम प्रेजेंट एट ईच कॉर्नर एंड वन एटम प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। तो ये क्यूब बना लिया हमने, कॉर्नर वाले को मैं वाइट कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, कॉर्नर पे एट एटम प्रेजेंट होते हैं, ओके ये कॉर्नर वाला एटम हो गया, और एक एटम होता है इसके बॉडी सेंटर, उसको ग्रीन से दिखा देते हैं ताकि थोड़ा अलग लगे। तो नियरेस्ट डिस्टेंस निकालना है, देखो मतलब कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकलना है, देखो सपोज करो ये क्या एटम है बॉडी सेंटर से, देखो एक तो हो गया इसका ये डिस्टेंस ए बी, कैलकुलेट करना है, इसके साथ दूसरा कलर से कर देता हूँ ये बी सी, सी लिख देते हैं इस पॉइंट को, एंड नेक्स्ट से ब्लू कलर से, देखो बॉडी सेंटर बोला है ना, देन ये बॉडी सेंटर से इसको ले लेते हैं डी, हमें ए बी बी सी एंड बी डी, मतलब बी ए बी सी और बी डी तीनों कैलकुलेट करना है। देखो यहाँ पे बोला हुआ था क्वेश्चन में बॉडी सेंटर, ओके अगर ये सिंपल होता तो ये ब्लू वाला देखो यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक जाता, इस वाले कॉर्नर तक जाता अगर ये सिंपल क्यूबिक होता, पर यहाँ पे बोला हुआ है बॉडी सेंटर, तो इसको रब कर देते हैं, वापस ड्रॉ करना पड़ेगा, मिट गया थोड़ा सा, इरेज हो गया, ओके कोई नहीं, अरे वाइट कलर, तो ये देखो वापस कर लेते हम इसको, इसको फिर फिगर को सही कर लेते हैं वापस। तो हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है बी ए, फर्स्ट थ्री बोला था ओके, बी ए बी सी एंड बी डी, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन। तो बी ए क्या होता है, बी ए जो है बी होता है एज ऑफ क्यूब, और जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो नॉर्मली सबको पता है जनरली, एज ऑफ क्यूब ए, तो पहला तो निकल गया बी ए। अगर मैं बी सी की बात करूं, तो ये क्या होता है, फेस डायगनल ऑफ क्यूब, फेस डायगनल क्या होता है रूट टू ए, बी सी भी कैलकुलेट हो गया। अब देखो बी डी की बात कर रहे हैं, ये बी डी क्या है, बी डी है हाफ ऑफ बॉडी डायगनल, देखो जो क्यूब का डायगनल होता है बॉडी डायगनल भी नेक्स्ट पेज पे करते हैं, ये क्यूब है ओके, ये क्यूब बना रहे हैं रफली, इसका देखो बॉडी डायगनल क्या आता है, ये होता है बॉडी डायगनल एक कोने से दूसरे कोने तक, हमें डिस्टेंस निकालना है इसका हाफ, मतलब यहाँ तक निकालना है, तो ये बॉडी डायगनल का हाफ हो जाएगा ओके। तो हम अगर मैं बी डी निकालूँ तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा,
बी डी बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ बॉडी डायगनल ऑफ क्यूब। ओके साफ दिख रहा है बॉडी डायगनल का हाफ है। अब देखा क्यूब का बॉडी डायगनल कितना होता है, रूट थ्री ए ए, तो ये आया रूट थ्री बाय टू ए। तो हमारे पास देखो क्या क्या ऑप्शन आए हमने जो सॉल्व करे, हमारे पास फर्स्ट आया था ए, एक आया था रूट टू ए एंड एक आया रूट थ्री बाय टू ए। देख कौन से ऑप्शन है चेक करते हैं, ए रूट टू है रूट थ्री बाय ए, एक मिनट ये कलर चेंज कर लेते हैं, जरा ए रूट टू है रूट थ्री ये नहीं है, रूट थ्री बाय टू ए, तुम्हारे पास सी ऑप्शन करेक्ट है, चेक कर सकते हो। देखो ए रूट टू है रूट थ्री अपॉन टू ए, तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास क्या है करेक्ट, बाकी ये सारे इनकरेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है सी, आंसर है हमारे पास। तो इजी क्वेश्चन था सेम एज इट इज़ सिंपल क्यूबिक के लिए हमने करा था। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 40, क्वेश्चन नंबर 40 है इन एफ सी सी यूनिट सेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर बाय एटम, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर बाय एटम, जो एज है ओके उसको जो एटम कवर करते हैं, हमें यहाँ पे फ्रैक्शन निकालना है जो एटम नहीं कवर पा रहे, कवर कर पा रहे हैं, मीन्स एज पे कितना स्पेस एम्प्टी है। ओके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोई पहले से समझते हैं फिगर के थ्रू है पूछ के आ रहे हैं, तो इसकी मैं फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ छोटी सी, अच्छा इसी कलर से चलो। ये एक एफ सी सी का, देखो एफ सी सी बोला एफ सी सी का क्यूब का एक फेस मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या होता है कॉर्नर्स पर एटम होते हैं, कॉर्नर वाले ये वाइट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थोड़े टेढ़े मेढ़े बन जाएंगे कोई नहीं देख लेना। ओके हमें पता है कॉर्नर के जो एटम्स होते हैं वो टच नहीं करते एक दूसरे को, ओके वो मैंने गैप दिखा दिया बीच में, यहाँ पे गैप ज़्यादा हो गया ओके वो समझने के लिए जस्ट, तो ये कॉर्नर्स वाले और फेस पे भी होता है एटम, तो फेस वाले को मैं यहाँ पर ग्रीन से दिखा देता हूँ। ओके फेस वाला जो इन सब से टच होता है इसको थोड़ा डार्क कलर से कर दूँ ताकि ईजिली लगे आपको। तो ये देखो एफ सी सी जो होता है ये फेस वाला मैंने यहाँ पे कर दिया और कॉर्नर्स वाले ये ग्रीन, ओके थोड़ा सही दिखेगा यहाँ पे। क्वेश्चन में बोला हमें इन एफ सी सी यूनिट सेल व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज, देखो यहाँ पे दिख रहे हैं एम्प्टी स्पेस है नॉट कवर बाय एटम, यही एज पे जो ये एम्प्टी स्पेस है यही बताना कितना होगा। ओके परसेंटेज नहीं बतानी, नॉर्मल कैलकुलेट करना है, परसेंटेज भी निकाल सकते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके तो परसेंटेज निकालने हमें फ्रैक्शन निकालने, देखो सबसे पहले हमें पता है ये एज ऑफ क्यूब होता है ए, तो एज ऑफ क्यूब कितना है ए कवर्ड बाय एटम, एटम कितना कवर कर रही है इस एच को, एक रेडियस इसका आर देखो, एक इसका आर और एक इसका आर, तो ये हो गया टू आर, टू आर कवर कर रहे हैं। चलो ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल देखो एज ऑफ क्यूब यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, एज ऑफ क्यूब जो एफ सी सी का होता है एफ सी सी के लिए निकाल रहे हैं ना, ये तो मैंने जनरल लिख लिया, तो एफ सी सी के लिए अगर मैं यहाँ लिखूँ इन एफ सी सी, नीचे लिख लेता हूँ इन एफ सी सी, एफ सी सी स्ट्रक्चर। ओके एज ऑफ क्यूब कितना होगा, एज ऑफ क्यूब याद है सबको ए इज इक्वल टू टू रूट टू आर। ओके एज ऑफ क्यूब कितना होता है टू रूट टू आर, ये तो क्यूब का था हमें बोला है एफ सी सी के लिए टू रूट टू आर। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन कवर, कितना फ्रैक्शन कवर करा है इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन काफ़ी, फ्रैक्शन कवर्ड क्या होगा, देखो फ्रैक्शन कवर क्या होगा कवर बाय एटम, बताओ एटम ने कितना कवर करा है कवर्ड
पाई एटम अपॉन में टोटल, टोटल मतलब एज ऑफ क्यूब, एज की ही तो बात कर रहे हैं, एज ऑफ क्यूब। देखो तो यही तो होता था, हम वहाँ पे फ्रैक्शन निकाल देते हैं, एटम ने कितना एरिया कवर करा है, या ऑक्यूपाइड एरिया या ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन टोटल होता था। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, कवर मीन्स वही ऑक्यूपाइड बाय एटम अपॉन एज, उस एज की बात करिए इसलिए टोटल नीचे आ जाएगा। अब कवर कितना करा है, अगर मैं अगले पेज पे करूँ, देखो कवर बाय 2R है, 2R अपॉन 2√2R। तो हम निकाल रहे हैं फ्रैक्शन कवर फ्रैक्शन या फ्रैक्शन कवर, ओके इम्पोर्टेंट है काफ़ी। तो देखो यहाँ पर 2 से तो 2 कट गया, R से R गया, ऊपर बचा 1 अपॉन √2। इसको कैलकुलेट करेंगे, √2 होता है 1.414, पॉइंट उठाया 30, तो यह आ जाएगा 0.707। इसको कैलकुलेट करोगे, ये देखो कवर्ड फ्रैक्शन आया है। अगर मैं MPT निकालूँ, MPT देखो क्वेश्चन में हमें MPT ही निकालना था बचा हुआ, नॉट कवर यहाँ पे बोला हुआ है। देखो यहाँ मैं हाईलाइट कर देता हूँ, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एज इज नॉट कवर, नॉट कवर मीन्स MPT जो बचा है, नॉट कवर बाय एटम। तो MPT वाला कितना बचेगा, 1 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूँ टोटल में से, तो इसको अगर 1 में से माइनस करेंगे तो 0.293 आ जाएगा, 0.293। तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी ऑप्शन, देखो 0.293। अगर इसकी परसेंटेज निकालते तो 29.3% हो जाता। ओके तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द एज इज नॉट कवर, एज पे जो कवर नहीं है, जो MPT स्पेस ही इतना सा जो दिख रहा है, इसको पूछा था ये कितना आएगा। अगर परसेंटेज पूछी जाती तो ये होता 29.3, हमें परसेंटेज नहीं पूछी थी सिंपली, तो 0.293। तो आंसर नंबर कौन सा है, आंसर नंबर है सी, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इन SCP अरेंजमेंट इज, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर HCC, ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर HCP SCC। ओके तो बिल्कुल ईजी है यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर का, इसका देखो याद होगा आपको, ये आई थिंक पीछे बहुत बार करा भी रखा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, हमें पता है 12 होता है। ओके पर चेक करने के लिए देख लो, एक रफली यहाँ पे बना लेते हैं हेक्सागोनल शेप, ओके कुछ ऐसी होती है हेक्सागोनल, और यहाँ पर ये मिला लेना पॉइंट। ओके देखो हमें पता है यहाँ पे जो एटम्स होते हैं ये कॉर्नर्स पे होते हैं, 6 तो ये रहे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक सेंटर में भी होता है 7 8, और 3 इसके बीच में, ये रहा 1 2 एंड 3। ओके तो पूछा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर बिल्कुल ईजी है कैलकुलेट करना, ये एक एटम है, ये मैं थोड़ा डार्क कलर रहा हूँ वाइट कलर से, इसके सराउंडिंग में कितना है, ये 1 2 3 4 5 6 6 हो गए, 3 नीचे देखो 7 8 9, 3 इसके ऊपर वाले SC पे भी पे होंगे 10 11, और ये 12, देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। ओके तो डायरेक्टली भी पता होता है 12 होता है SCC और FCC दोनों का ही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 क्वेश्चन भी ये डायरेक्टली ही है पूछा हुआ है। ओके अगर जिसने ब्रैग इक्वेशन पढ़ रखी होगी वो देखते ही आंसर कर देगा, ब्रैग लॉ इज गिवन बाय द इक्वेशन, ब्रैग लॉ याद है ना, दो लेयर के बीच का डिस्टेंस बताता था, इसकी इक्वेशन क्या होती थी, एल लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा। हमने देखो ब्रैग इक्वेशन की एक पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहो तो जाकर देख सकते हो ब्रैग इक्वेशन, एल लैम्डा इक्वल टू 2d sin थीटा, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लिया है। ओके ब्रैग इक्वेशन के क्वेश्चन मैक्सिमम डायरेक्टली आता है एंट्रेंस एग्जाम में, या तो वैल्यूज पुट करो या इक्वेशन बताओ बस,
तो ये क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, इन अ सॉलिड लैटिस द कैटायन हैज लेफ्ट अ लैटिस साइट एंड इज लोकेटेड एट इंटरस्टिशियल पोजिशन। द कैटायन डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड स्कॉटकी डिफेक्ट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन बोला गया है। अगर आपको याद होगा फ्रैंकल डिफेक्ट आपने पढ़ा होगा। ओके, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है? व्हेन कैटायन लीव इट्स ओरिजिनल साइट टू इंटरस्टिशियल साइट। जब कैटायन अपनी ओरिजिनल साइट से, जो कैटायन होता है ओके, वो अपनी ओरिजिनल साइट से कहाँ जाते हैं? इंटरस्टिशियल साइट पे चला जाए। ओके, कहाँ पर? इंटरस्टिशियल। उस डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। उस डिफेक्ट को हम फ्रैंकल डिफेक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन साफ दिख रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट डाई स्टेटमेंट से क्वेश्चन आया। अगर आपको स्टेटमेंट याद होगी फ्रैंकल डिफेक्ट की, तो देखते हैं इसका आंसर कर देंगे। तो डिफेक्ट वाले टॉपिक्स जितने भी होते हैं वो डायरेक्टली ही पूछे जाते हैं स्टेटमेंट में। ओके, तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट इसकी स्टेटमेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 44 है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिस्टल डिफेक्ट इज इंडिकेटेड इन अ डायग्राम बिलो। ऐसा क्वेश्चन कर रखा है पहले भी। ओके, तो ये किस टाइप का डिफेक्ट है? फ्रैंकल, स्कॉटकी, इंटरस्टिशियल या फ्रैंकल एंड स्कॉटकी, दोनों। अब देखो यहाँ पे क्या क्या मिस है। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे एक एन ए पॉजिटिव मिस है। ओके, यहाँ पर एन ए पॉजिटिव मिस है, यहाँ पर सी एन नेगेटिव मिस है और यहाँ पर सी एन नेगेटिव मिस है। तो याद होगा, अब पता चल गया होगा किस टाइप का डिफेक्ट है। स्कॉटकी डिफेक्ट डायरेक्टली क्वेश्चन है ये भी। स्कॉटकी डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता था? इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड, आर मिसिंग फ्रॉम लैटिस साइड। ओके, तो यही होता था स्कॉटकी डिफेक्ट। तो यहाँ पे दो कैटायन मिस है और दो एनायन मिस है। तो आंसर हमारा कौन सा हो गया? आंसर नंबर बी, स्कॉटकी डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन बोला है, द सेकंड ऑर्डर ब्रेग इक्वेशन, ब्रेग डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रे विद एक्स इजकल टू 1 एंस्ट्रोम, या एंस्ट्रोम है। ओके, फॉर अ सेट ऑफ पैरेलल प्लेन इन अ मेटल अकर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कैटरिंग प्लेन इन द क्रिस्टल। डिस्टेंस निकालना है। याद होगा अगर आपने ब्रेग इक्वेशन पढ़ी होगी तो इस टाइप के क्वेश्चन भी कराए थे वहाँ पर। ओके, तो ब्रेग इक्वेशन वाली वीडियो भी देख सकते हो, उसमें भी इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे हमें क्या बोल रखा है? सेकेंड ऑर्डर, देखो एन जो कि ऑर्डर होता है कितना है? 2। एक्स रे विद एक्स इजकल टू 1 एंगस्ट्रोम, लैम्डा हमें दे रखा है 1 एंगस्ट्रोम। ओके, चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन में सारे एंगस्ट्रोम में ही कैलकुलेट करना है। थीटा जो है 60 डिग्री एंड डी हमें कैलकुलेट करना है। वी नो ब्रैग इक्वेशन क्या होती है, एन लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा, एम लैम्बडा इक्वल टू 2d साइन थीटा। एन कितना है? 2 है, एंगस्ट्रोम 1, लैम्बडा की वैल्यू 2d हमें कैलकुलेट करना है, साइन थीटा साइन 60 डिग्री। ओके, तो देखो ये 2 से तो 2 कट हो गया, तो d इजिकल टू क्या हो जाएगा? आगे करते हैं, 1 इजिकल टू d साइन थीटा होती है √3/2। ओके, देन d इजिकल टू हो जाएगा 2/√3। वैल्यू पुट करें तो 1.732। इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 1.15। ओके, कैलकुलेट करोगे आ जाएगा 1.15 एंगस्ट्रोम डिस्टेंस। ओके, तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी।
डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देखो जो ब्रैग इक्वेशन है उसके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं सभी एंट्रेंस एग्जाम में, आपको बस इक्वेशन पता होने चाहिए और कैलकुलेट तो आप कर ही लोगे। ओके तो ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट ब्रैग इक्वेशन के लिए आप वीडियो भी देख सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 46। 46 क्वेश्चन है द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl इज, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन बोला है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर NaCl FCC होते हैं, चाहो तो आप वीडियो भी देख सकते हो FCC क्रिस्टल की। ओके ये तो डायरेक्टली आया क्वेश्चन, बी ऑप्शन है डायरेक्ट, जो NaCl है वो FCC शो करता है। लेटेस्ट कंप्लीट NaCl स्ट्रक्चर की वीडियो देख रही है तो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47, अ क्रिस्टल लैटिस विद अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस हैज रेडियस रेशियो, हमें रेडियस रेशियो दे रखा है, रेडियस रेशियो 0.524, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज। देखो इसके लिए छोटा सा टेबल याद रख लो, जब रेडियस रेशियो जो होता है 0.155 से 0.225 हो, ओके तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 3। और वॉइड कैटायन कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, ट्राइंगुलर वॉइड, ट्राइंगुलर वॉइड, एग्जांपल B2O3, तब 0.225 से 0.414 होता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। कैटायन ऑक्यूपाई करता है टेट्राहेड्रल, ये टेबल याद कर लेना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड, एग्जांपल ZnS। ओके तब 0.414 से 0.732 होता है, 732 तो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, ये कोऑर्डिनेशन नंबर। ओके कैटायन कहाँ पे ऑक्यूपाई करता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एग्जाम्पल NaCl, टेबल याद कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे सोल्व। एंड 0.732 से लाई करता है 1.00, देन इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 8, ये तो बॉडी सेंटर या फिर बोल सकते हो क्यूबिकल वॉइड, क्यूबिकल वॉइड, एग्जाम्पल होता है CsCl टाइप। ओके तो देखो ये छोटी सी टेबल है, आपको पता होनी चाहिए यार, ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये कैटायन ऑक्यूपाई, ये एग्जांपल है। ओके अब यहाँ पे बोला था जो रेडियस रेशियो है 0.524, 0.524 किसके बीच में लाई करेगा, वो इधर साहब देख रहे हैं 0.5 इसी रीजन में लाई करेगा इसमें, तो क्या पूछा था आगे, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके तो आंसर 6 हमारा है, ये ऑप्शन नंबर है सी, ये टेबल याद कर लेना, इससे बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। ओके अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन है, ए बी क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर क्यूबिक लैटिस विद एज लेंथ ए इक्वल टू 387 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयन इन द लैटिस इज। देखो हमें गिवन क्या है, एक मिनट, ये गिवन हमारे पास है ए जो है 387 पिकोमीटर है, ये कितना है 387 पिकोमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिटिवली चार्ज आयन, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन, रेडियस ऑफ एनायन, ओके इसको प्लस बड़ा कर दूँ बीच में, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन निकालने में। ओके BCC याद होगा हमने, देखो CsCl स्ट्रक्चर में रिलेशन भी निकाला था BCC के लिए, जो ये फॉर्मूला होता है ये होता है √3a इक्वल टू 2 इंटू में रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। CsCl स्ट्रक्चर वाली वीडियो में रेडियस रिलेशन देख सकते हो आप, ये आया था हमारे पास, हमें रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन कैलकुलेट करना है, तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। √3 की वैल्यू 1.732, ये हमें गिवन है 387 पिकोमीटर, यूनिट डालने की जरूरत नहीं है आप। ओके 387
अपॉन टू, देन इसको कैलकुलेट करेगा आपका आ जाएगा 335, 335 पिकोमीटर, ओके, जो कि ऑप्शन क्या है, ए, ओके, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, 335 पिकोमीटर। इसको कैलकुलेट कर लेना। तो देखो ये रिलेशन डायरेक्ट हमने CACL स्ट्रक्चर की जो वीडियो है उसमें करा था, आप कर सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49। 49th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेटेलिक एंड फेरोमैग्नेटिक। अगर जिस जिसने NCERT पढ़ा होगा ये डायरेक्टली क्वेश्चन कर आंसर देखते ही बता दोगे, क्योंकि ये डायरेक्टली NCERT से क्वेश्चन उठाया हुआ है, एंट्रेंस में आया हुआ है ये बहुत बार, ओके। तो यहाँ पे बोला जो फेरोमैग्नेटिक, याद होगा NCERT की बुक में जो फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल हैं, निकल, आयरन, कोबाल्ट, उनके साथ एक एग्जाम्पल उन्होंने लिखा हुआ था, वो कौन सा है, CrO2, फेरोमैग्नेटिज्म, ओके। यह CBSE एग्जाम में भी आता है और एंट्रेंस पे भी डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट, पता होना चाहिए सबको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, आ रखा है बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC। हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम प्रेजेंट इन FCC कैलकुलेट करना है जब रेडियस R है, ओके। टोटल वॉल्यूम, ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन FCC, देखो क्या होता है, वैसे एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, आर इन्होंने स्मॉल ले रखा है, हम भी स्मॉल ही ले लेते हैं, आर क्यूब इंटू में जेड, जेड क्या होता है नंबर ऑफ एटम्स, और FCC के लिए जेड की वैल्यू होती है 4, देन 4/3 पाई आर क्यूब इंटू में 4, देन 4/4 16/3 पाई आर क्यूब। तो ऑप्शन हमारे पास कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, ओके, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ये रहा डी ऑप्शन, 16/3 पाई आर क्यूब, ओके। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एंट्रेंस में आ रखा है कई बार, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन करा हुआ है प्रॉब्लम नंबर, सॉरी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वाली वीडियो थी फर्स्ट में करा था आई थिंक, ओके, सेम ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे एम और ओ कर दिया, वहाँ पे एफ ई वाला था। क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंटली इट वॉज फाउंड डैट अ मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.98O, मेटल M इज प्रेजेंट एज M2 पॉजिटिव एंड M3 पॉजिटिव इन इट्स ऑक्साइड्स, फ्रैक्शन ऑफ मेटल विच एग्जिस्ट एज M3+ वुड बी, ओके। तो हमें फ्रैक्शन निकालना है M3+ का, ऐसे दो क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, निकल 2+, निकल 3+, Fe2+ एंड Fe3+, उसी में से एक क्वेश्चन है, एडिट टू एकदम सेम। तो इसे सॉल्व करते तो हमें क्या क्या है, क्वेश्चन में M0.98 है और ऑक्सीजन 1 ही है, वो 1.00, ओके, 1 है, और M जो है वो Mn2+ दे रहा है, और M है ओनली, Mn नहीं है, ओके, M2+ और M3+, यहाँ से भी ये रब कर देते। तो अब इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हमें फ्रैक्शन निकालना है, सिंपल सा परसेंटेज निकालनी है M3+ आयंस की। तो 1 ऑक्सीजन एटम एसोसिएटेड विद कितना 0.98 एम एटम, ओके, एम यहाँ पे एक अल्फाबेट है, ओके, कोई एलिमेंट या मेटल नहीं है, ओके, तो लेट कर रहे हम, लेट नंबर ऑफ M2+ आयन एक्स, नंबर ऑफ Mn2+ आयन बी एक्स, तो लेट नंबर ऑफ M3+ आयन कितना हो जाएगा, कितना है टोटल, 0.98 माइनस एक्स, और ऑक्साइड आयन की अगर मैं बात करूं,
ऑक्साइड आयन, ये तो वन ही है, वन। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे इस पे चार्ज कितना है, ये हो जाएगा टू एंड इसका चार्ज है थ्री एंड ऑक्साइड का चार्ज इज टू। ओके, क्योंकि हमें पता है किसी भी कंपाउंड में जितना पॉजिटिव आयन होता है वो किसके इक्वल होता है, उतने उसके नेगेटिव आयन के। याद है ना, देखो ये ए बी है, अगर ए बी पे प्लस टू है तो बी पे कितना जाएगा, माइनस टू। ओके, तो इसके बेस पे हम कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज कर दो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो पॉजिटिव वाले किसके इक्वल हो जाएंगे, नेगेटिव के। तो पॉजिटिव वाले क्या, टू एक्स प्लस थ्री इंटू जीरो पॉइंट कितना है, नाइन एट, 0.9x8 सॉरी माइनस एक्स इजिकल टू नेगेटिव के बराबर होंगे, ये हो गया टू। ओके, तो देखो टू और थ्री से इसलिए इंटू कर रहा है क्योंकि आयंस के फॉर्म में बताना है हमें। ओके, और ऑक्साइड पे कितना चार्ज होता है, टू, तो उसको भी टू से कर दिया। तो यहाँ पे अगर मैं सोल्व करूँ, यह आएगा टू एक्स प्लस, ये आ जाएगा टू एट जा थ्री एट जा ट्वेंटी फोर, टू थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन, टू नाइन, टू पॉइंट नाइन फोर। ओके, माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये टर्म कितनी आएगी, आ जाएगा माइनस एक्स, देखो थ्री एक्स में से टू एक्स गया माइनस एक्स, ये आ जाएगा टू माइनस टू पॉइंट नाइन फोर। देन माइनस एक्स इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट नाइन फोर, माइनस से माइनस कट एक्स इक्वल टू आ जाएगा जीरो पॉइंट नाइन फोर, यह आया एक्स। मीन्स ये क्या है, एम एन बार बार निकल जा रहा है, एम टू पॉजिटिव आया हमारे पास 0.94, क्योंकि देखो एक्स हमने किसको लैड करा था, एक्स हमने लैड करा तो एम टू प्लस को, तो एम थ्री प्लस कितना आ जाएगा 0.98 माइनस एक्स। तो यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, एम थ्री प्लस कितना हो जाएगा 0.98 माइनस एक्स, मीन्स 0.98 माइनस 0.94, तो यह आ जाएगा 0.04। ओके, यह आया 0.04। बट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है फ्रैक्शन ऑफ मेटल्स परसेंटेज निकालनी है यहाँ पे। ओके, देख रहा परसेंटेज में निकालना, तो परसेंटेज निकाल रहा हूँ मैं, तो परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट किसी का भी निकाल लो, हमें इसका बोला सिर्फ, तो ये आ जाएगा इसका अमाउंट कितना है 0.04 अपॉन में टोटल, टोटल कितना है 0.98 इंटू में 100, देखो ये पॉइंट से पॉइंट गया ऊपर आया 400 अपॉन 98, तो ये फोर पे जाएगा 4 पॉइंट, तो जो जो फोर्स है स्टार्ट हो, हमारा आंसर है 4.08 आंसर। ओके, तो एम थ्री प्लस का फ्रैक्शन कितना आ रहा है 4.08%, ये ऑप्शन नंबर डी है। अगर यहाँ पे पूछा जाता, जैसे बाय चांस अगर पूछा जाता कि एम टू प्लस का भी निकालो, तो आप इसको क्या करोगे, 100 में से माइनस कर देते हैं अगर पूछा जाता तो। ओके, 100 में से माइनस कर देते हैं, यह आ जाता 92। ओके, ये 95.92 अप्रोक्स वही 96। ओके, तो हमें पूछा था सिर्फ एम थ्री प्लस का फ्रैक्शन कितना है, तो ये आ रहा है 4.08, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है ये 52। ओके, क्वेश्चन नंबर 52, व्हाई इज ग्रेफाइट यूज एज अ ड्राई लुब्रिकेंट इन मशीनरी। डायरेक्ट बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो पूछ लिए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कि ग्रेफाइट का यूज़ ड्राई लुब्रिकेंट के लिए क्यों कर यूज़ करा जाता है। इसमें से स्टेटमेंट दे रखिए, ईच कार्बन एटम हैज sp3 हाइब्रिडाइज इन ग्रेफाइट, ग्रेफाइट हैज लेयर स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लीवेज इजिली बिटवीन लेयर्स एंड देयरफॉर इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। सी ऑप्शन है, ग्रेफाइट इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट हैज टू सिग्मा बॉन्ड्स एंड टू पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ पे ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देख लेते छोटा सा रफली बनाकर, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप छोटी क्लास से पढ़ के आ रहे हो और सॉलिड स्टेट की बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी मीन सॉलिड स्टेट चैप्टर में।
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है यही। ओके, तो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में आपको पता है डिफरेंट लेयर स्ट्रक्चर होता है, अगर आपको पता हो तो पढ़ा होगा आपने बुक्स में, डिफरेंट लेयर स्ट्रक्चर शो करता है। और आपने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे ये इंट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वंडरवॉल इंट्रैक्शन। ओके, हर लेयर के बीच का डिस्टेंस 340, देखो कुछ बुकों में 340.5 लिखा है, कुछ बुकों में 341 पिकोमीटर, वो आप देख लेना आपके पास बुक है उसमें कितना डिस्टेंस लिखा है। तो दो लेयर के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है, 341 पिकोमीटर। अब दो लेयर के बीच का डिफरेंस है ग्रेफाइट में जो स्ट्रक्चर होता है, ओके, तो उसके बीच में कितना डिफरेंस होता है, 341 पिकोमीटर। इसी प्रॉपर्टी के कारण ग्रेफाइट को जब हम टच करते हैं तो हमें स्लिपरी फील होता है। वो एक्चुअली में स्लिपरी फील इसलिए होता है, हम टच करते हैं तो ऊपर की कई लेयर्स हट जाती हैं और हमें फील होता है जैसे कि वो काफ़ी स्लिपरी है। तो ये डिफरेंट लेयर स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर अगर यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी, ग्रेफाइट हैज़ लेयर स्ट्रक्चर एंड ईजली क्लीवेज ईजली सॉरी ईजली इट क्लीवेज ईजली बिटवीन द लेयर एंड देयर फॉर इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसको ड्राई सॉलिड लुब्रिकेंट के लिए यूज़ करा जाता है, जो मशीन्स होती है बड़ी बड़ी, ओके, वहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट है, ओके, इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी इसकी स्टेटमेंट। तो यहाँ पर ये वीडियो होती है कंप्लीट। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है ये पार्ट 1, 2 एंड 3, ये सारे क्वेश्चन से ही एग्ज़ाम्स एंटर एग्ज़ाम्स में आ रखे हैं और आते हैं हर साल, ओके। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, इन सब की प्रैक्टिस कर लेना तो सॉलिड स्टेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको कोई जल्दी से क्वेश्चन कर में अटकोगे नहीं और ना ही किसी में फंसोगे, ओके। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।